प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 7 आयत में हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हाथ उठाकर कहिए, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। किसका ब्याह? मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो याद रखना है, अब मेमना कौन है? हमें इस बात को समझना चाहिए, मेमना कौन है? हाँ, जानना है, मेमना यीशु मसीह है। कौन है वो मेमना? बन के आया बलि होने के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। मेमना जानते किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। और वो मेमना बनकर यीशु मसीह आया और अब मेमने का विवाह होना है। किसका विवाह होना है? शारीरिक नहीं, बोलो आत्मिक। शारीरिक रिश्ता नहीं, आत्मिक रिश्ता। किससे जोड़ना है? जिस तरह धरती के ऊपर एक पति और पत्नी शारीरिक रिश्ता जोड़ के रखते, उसी तरीके से अब हमारा रिश्ता यीशु के साथ आत्मिक रिश्ता जुड़ेगा। जिस तरह एक पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होती है और पति अपने पत्नी के लिए समर्पित अवस्था में जीते हैं, ठीक उसी तरीके से अब वही परिकल्पना, अब वही ढांचा हमें अपने लाइफ में आत्मिक रीत से अपनाना होगा। अब हमारे पास एक पति है जो स्वर्ग में वास करता है और हमारे लिए मेमना बन के आया और वो बलि हुआ। याद रखना प्रिय बेटे बेटियों, अब वो हमें कैसे स्वीकार करें और हम उसे कैसे स्वीकार करें, यह स्थिति बनाना है, कायम करना है, ताकि वो चीजें जो हमें प्रभु देना चाहते हैं हम वहां तक पहुंच पाए। आमीन। एक बात आप नोट करना, ये सब जो हम देख रहे हैं, मेमने का विवाह होना, ये जो विवाह की प्रक्रिया है, इस धरती के ऊपर हम कुछ देख पाते हैं? अगर कुदरत की जो यहां इस धरती के ऊपर जो रिश्ते जुड़ते हैं, हाँ सेम, वो एक समर्पण की दशा होती है पति और पत्नी के बीच में, और ठीक उसी तरीके से एक समर्पण की दशा हमें मसीहत के साथ रखनी पड़ती है। और याद रखो, उसे पति क्यों कहा गया? मेमना शादी करता है अपने लोगों से, मतलब शारीरिक नहीं, मतलब एक रिलेशन, एक रिश्ता, स्पिरिचुअल रिलेशन, बोलो आत्मिक रिश्ता। जैसे कि उदाहरण के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया और उसने चेलों को तैयार किया और उसने अपना वचन दिया, और रिश्ता विवाह का प्रक्रिया कब पूरी होती है? उसने कहा कि मैं अपने वचन को श्रृंगार बना देता हूं। क्या बना देता वो? अब एक दुल्हन सोने और चांदी को हाँ अपने लाइफ में उस तरह नहीं रखेगी, पर वो अब इस वचन का श्रृंगार करेगी। आमीन कहिएगा। मतलब कि एक तैयार होना है, जैसे कि हम एक शरीर में, आत्मिक शरीर में तैयार होते हैं, वैसे हम आत्मिक रीति से भी हमारे पास एक तैयारी है। हालेलुया। आप जब एक दुल्हन तैयार होती है शरीर में आत्मिक रीति से, तो निश्चय ही उसका दूल्हा उसे क्या करता है, चाहता है कि नहीं चाहता, बोल के बताइए। अगर एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार ना हो, तो कदापि वो दूल्हे के साथ जीवन नहीं जी सकती है, कदापि वो दूल्हे के साथ रह नहीं सकती है। सही है कि नहीं? और ठीक उसी तरीके से हमारा एक आत्मिक रिलेशन होता है, हमारा एक आत्मिक संबंध बनता है परमेश्वर के साथ, पवित्रताई का संबंध बनता है। कौन सा? पवित्रताई का एक रिश्ता जुड़ता है, और वो मेमने का विवाह आ पहुंचा है। याद रखना है, अब ये तैयारी हो रही है, ये जो मेमने का विवाह है उसकी क्या हम कर रहे हैं? आज 12 साल से हम उसकी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दुल्हन स्वर्ग उठाई जाएगी। जब कलीसिया स्वर्ग उठाई जाएगी, याद रखना है कि हम उसी मंडप में पहुंचेंगे जहां पर मेमना दूल्हा बनकर खड़ा होगा। ये रियल है, ये वास्तविक है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए हम जब इस सत्य को जान लेते हैं, तो शायद कुछ घटी भी होती है तब भी हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। कुछ हमारे पास होता नहीं फिर भी हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, क्योंकि मुझे उस दूल्हे के पास जाना है। आमीन। और 7 आयत में अगर ध्यान से पढ़े तो लिखा है,
और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? क्या आपकी तैयारी है? यही तो है सबसे बड़ी बात। आज हम उसी तैयारी के विषय में कर रहे हैं। क्या एक दुल्हन तैयार हो रही है अपने पति के लिए जो स्वर्ग में है, जो पूरे भूमंडल का मालिक है? वो किस तरीके की तैयारी चाहता है? पड़ोसी को कहो, किस तरीके की तैयारी? क्या पैसा अधिक हो, ऐसा तैयारी? आपके पास बहुत संपत्ति हो, क्या ऐसा तैयारी? क्या आपके पास पूरी दुनिया ही आपके पास आ जाए, क्या ऐसी तैयारी? नो। क्योंकि ये सब तैयारियां हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय बेटे बेटियों, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। उसके विषय में पिता कहता है कि पिता जानता है कि ये तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुझे दूंगा। पर हम अपना झुकाव प्रथम स्थान पर कहां पे रखना है? हालेलुया। मत्ती 22 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को हमारे साथ पढ़िए। मत्ती 22 अध्याय में जाइए और वचन 2 और वचन 3 से हम पढ़ेंगे। और लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, इसे कहने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु आपको समझा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। ओके, वचन 3, और उसने अपने दासों को भेजा कि वो नेवताहारियों को ब्याह में बुलाएं, ब्याह के भोज में बुलाएं, विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। सही है, बहुत सारे लोग आना नहीं चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? और वचन 4 को पढ़िएगा। और फिर लिखा है, फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा कि निवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। एक बार आमीन कह दीजिए। अच्छा ये बताओ, जब भोज तैयार हो चुका है तो अब करना क्या है? करना क्या है अब? भोज तैयार हो चुका है, करना क्या है? अभी हम लोग भोज में शामिल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? उद्धार पाए हुए लोग, विश्वास की सुंदरता को कायम किए हुए लोग अभी भोज में शामिल होंगे। उसका एक यहां पर हम तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से स्वर्ग में हमें वास्तविक रीत से प्रभु यीशु मसीह के साथ भोज लेना है। इतना याद रखना प्रिय बेटे बेटियों। लिखा है, मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल पहले पशु मारे गए हैं। उस जमाने में सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। वचन 5 पढ़िए, और परंतु वहां पर क्या हुआ? वहां पर कुछ सही नहीं लिखा है इसमें। परंतु कुछ लोगों ने अनसुनी करके चल दिए। ऐसा कुछ लोग हैं, कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को। किसी ने अपने खेत को महत्वपूर्ण समझा, भोज से ज्यादा किसको महत्वपूर्ण समझा? अपने खेत को। भोज से ज्यादा किसे महत्वपूर्ण समझा? व्यापार को, अपने व्यापार को। वे लोग चल दिए। उन्हें बुलाया किसने था? तेजी में बोलिएगा, यीशु पिता ने, प्रभु ने उन्हें बुलाया था अपने भोज में, पर वो अपने खेत को चल दिए कि आज मेरा खेत का काम है भैया, हमें खेत का काम निपटा लेना है, तभी हमें सब काम करना है। वो पीछे हो गए। किसी ने कहा आज मेरा व्यापार है, आज हमें चर्च नहीं जाना है, आज हमें सीधा सीधा व्यापार में जाना है, वो पीछे हो गए। और वचन 6 को पढ़िए क्या लिखा है, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। ऐसा उनको नेवताहारी जो नेवता देने गए थे। उसके बाद बोलिए 7वां वचन, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उन नगरों को फूंक दिया, उसे गुस्सा आया। फिर क्या? वचन 8 में पढ़िए तो लिखे, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। क्या चीज याद रखना है? योग्य नहीं ठहरे, क्योंकि वो क्या हो गए? कोई अपने खेत को चला गया, बोला आज मेरा खेत का काम है, मुझे खेत का काम पूरा करना है। पर उसी बीच में यीशु मसीह आ गया, जो उसके साथ महिमा में थे वो उठा लिए गए, पर जो खेत में थे, जो बिजनेस में व्यवसाय में फंस गए थे, वो नहीं उठाए गए। याद रखना है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। पड़ोसी को बोलो, वो योग्य नहीं ठहरे। ओके, आगे पढ़िए वचन 9 में क्या लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। आमीन। उसमें से आप सब लोग हैं।
वचन 10, और तब लिखा है कि सो उन दासों ने सड़कों पे जाकर क्या बुरे, दारू पीने वाला है, गांजा पीने वाला है, क्या भले, जितने मिले सबको बोला विवाह के भोज में चलो, और विवाह का भोज अतिथियों से भर गया। तैयार किया है प्रभु यहां पर, और जैसे ही वो विवाह के क्या बुरे क्या भले सबको प्रभु चर्च में लेके आता है, आता कि नहीं आते भाई, दारू पीने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वालों के लिए यीशु मसीह, वो लोग आके बैठते हैं और वो विवाह भोज के लिए तैयार होते हैं। आमीन बोलिएगा। और लिखा है कि वो घर जो विवाह का घर था वो नेवताहारियों से भर गया। आमीन बोलो। क्या हो गया भैया? भर गया वो। क्या हो गया? ये सबसे बड़ी चीजें। आज आप जिसको भी सुसमाचार सुनाने जाते हो वो अपनी ही गणित को बताता है आपको, है वो आपको छोड़ देता, बोलता नहीं जी, नहीं जी, मुझे नहीं जाना। वो नहीं आता है, पर अगर वो नहीं आया तो उसी के बगल से दूसरा प्रभु लेके आता है। प्रियजन, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। आगे फिर पढ़िए उसके वचन, आगे पढ़िए और वहां पर क्या लिखा गया। वचन 11 में, जब राजा निवताहारियों को देखने के लिए भीतर आता है तब वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। हालेलुया। क्या आप विवाह भोज में गंदे कपड़े पहन के जाते हैं? जो आपके पास होता है उसे क्या करके जाते हैं? अच्छा से धो करके साफ करके आप जाते हैं। पर यहां देखो, प्रभु जब आता है उस निवताहारियों में तो एक व्यक्ति ऐसे दिखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह का वस्त्र पहने हुए, हाँ, हमारा वस्त्र क्या है? बोल के बोल के बोल के, हमारा वस्त्र क्या है? आदम कौन सा वस्त्र पहना था अदन में? लेकिन जब पाप किया तो कौन से वस्त्र में आ गया? टेम्परेरी वस्त्र में आ गया कि नहीं? यहां देखो प्रभु ने क्या कहा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। वचन 12 को अगर पढ़ें तो वहां लिखा है, उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। याद रखना भैया, कोई आपके पास जवाब नहीं होगा। और वचन 13 में लिखा है, तब राजा ने, अर्थात राजाओं के राजा ने, प्रभु ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पांव बांध कर बाहर अंधकार में डाल दे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस नरक की कोई अगर हेल की कोई सीन हो तो दिखाइएगा। नरक में डाल दिया, वहां लिखा है कि उसे बाहर अंधियारे में, कहां डाल दिया? वहां अंधकार में डाल दिया, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। याद रखिए, इसके बाद और कोई वचन है? और पढ़ें, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। आप सब लोग बोलो, हम लोग चुने हुए हैं। आप विवाह के घर में आए हो, चुने हुए हो, पर जो चुने गए हैं उनकी तैयारी अलग होगी। यदि आप चुने गए हो, यदि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए आप ये सत्य को जान चुके हो कि मुझे केवल यही नहीं रहना, मुझे स्वर्गीय राज्य में जाना है, तो आपकी तैयारी सबसे अलग होगी। शायद आपका भाई, उसकी तैयारी अलग हो, वो संसार की दुनिया में है, उसकी तैयारी अलग होगी। आप मसीह के साथ जी रहे हो, आपकी तैयारी उससे बिल्कुल अलग होगी। अब हम अपने भाई के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर वो पाप के साथ तैयारी कर रहा है तो हमारी तैयारी पवित्रता के साथ होगी। आप बातों को समझ रहे कि नहीं? इसीलिए हमें एक तैयार होना है। यही तो बात प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा है, उस विवाह के घर में बुलाए हुए बहुत सारे लोग थे पर उन लोगों ने नहीं आना चाहा। कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार को चला गया, और उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? खेत को और अपने व्यापार को। जो महिमा का टाइम था उसको महिमा का समय नहीं दिया, जो वर्शिप का समय था उसको वर्शिप का समय नहीं दिया, जो प्रभु के राज्य में तैयार होने का टाइम था उस तैयारी को उसने किसी दूसरे के हाथ में दे दी। उदाहरण के लिए, यदि दूल्हा द्वार पे आके खड़ा है और दुल्हन खेत में जाकर काम कर रही है, क्या उसके लिए उचित है? यदि दूल्हा द्वार पे खड़ा है तो दुल्हन तैयार होती है, क्या होती है? समझ लो, क्या दिक्कत हो रही है समझने में? दूल्हा जब आने की तैयारी करता है, उसके पहले ही दुल्हन की तैयारी क्या होती है? शुरू हो जाती है। सही है कि नहीं, बोल के बताओ। दूल्हा तैयार होकर पहले से आता है और वो वेट करता है, इंतजार करता है दुल्हन का। सेम वैसे ही आज भी है, प्रभु यीशु मसीह तैयार है दूल्हा बनकर,
और हमें आपको दुल्हन बनकर उनके भोज में शामिल होना है। ऊंचा आमीन आशीष आपकी। हालेलुया। चलिए वो दुल्हन क्या पहनेगी, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय वचन 8, वो दुल्हन क्या पहनेगी ये आपको जानना जरूरी है। और वहां हम पढ़ेंगे, उसको शुद्ध, बोलिए शुद्ध और चमकदार, महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। सुनना, आपको मलमल का वस्त्र मिलेगा और हमें भी मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम उसके क्या बन चुके हैं, दुल्हन। और उस पवित्र दुल्हन का, उस आत्मिक दुल्हन का जो यहां लिखा है कि उसे पवित्र शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। और जो महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, वो महीन मलमल का अर्थ क्या होता है, लिखा है पवित्र लोगों के धर्म के काम, इसका अर्थ होता है। मलमल का वस्त्र पहनने का मतलब है कि पवित्र लोगों का जो धर्म के काम है उसका ये अर्थ है। आमीन। आपने अपनी लाइफ में क्या किया, अगर आपने अपनी जिंदगी में धार्मिकता का काम किया सच्चाई से और पवित्रता से, तो आपको मलमल का वस्त्र देगा परमेश्वर पहनने के लिए। और 9वीं आयत को देखे, वचन 9 में देखे, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह मलमल का वस्त्र है जो आपको दिखाया जा रहा है, थोड़ा से आप दिखाते चलिए, हमको मत देखिए, आप दिखाते चलिए जो दिखाना है। तो यहां देखिए, उसने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य है वे, उसी को दिखाइए मलमल के वस्त्र को, 8 वचन को इसको देख कर रखना, लिखा है उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि महीन मलमल का अर्थ होता है पवित्र लोगों के सच्चाई के काम, पवित्र लोगों को धार्मिकता के काम। सुनो जरा, हम यहीं पर थोड़ा सा रुकेंगे। अब यहां पर जो मलमल पहनने का अधिकार हमें आपको देगा परमेश्वर, एक दूल्हे के सामने जाने के लिए, उस मेमने के सामने जाने के लिए, तो ये क्या चीज है, कौन सा वस्त्र है। आज आपको कहा जाता है कि जो विश्वास करता है वो बपतिस्मे के साथ जीना है, पवित्रताई के साथ जीना है, इस संसार की गुनाह की पापों से बाहर आकर के हमें सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, उसके वचन को थाम कर जीना है, वही है आपके मलमल का वस्त्र। और उसके आधार पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा अपने सामने। आमीन बोलिए। याद रखो, ये रियल लाइफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रियल लाइफ है, यही है असली जीवन। हमारा देह सोएगा पर हमारा देह फिर से जागेगा, जिस तरह हमारा देह जहां भी रहेगा हमारा शरीर वहां से उठा लिया जाएगा। हम इसको आपके सामने थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर यहां आते हैं। वहां देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे, हमारी तैयारी का रिजल्ट क्या होगा, आइए हम देखते हैं, यदि हम तैयार हैं तो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गईं, फिर एक और पुस्तक खोली गई, दो पुस्तक है, जो एक पुस्तक है जो केवल एक तरफ लिखी गई है, और जो एक और पुस्तक है वो दोनों तरफ लिखी गई है, दो पुस्तकें हैं परमेश्वर के पास, याद रखना। और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, लिखा है कि जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक, बोलो जीवन की पुस्तक। ये क्या है, इधर देखो, ये क्या है, बाइबिल, याद रखना। अगर आप इसके अनुसार हैं तो ये चीज वहां खोला जाएगा और आपका, आपके जीवन में क्या रिजल्ट है प्रभु देखेगा। और वहां देखिएगा स्पष्ट, आपको कुछ और अच्छा चीजें दिख रहा होगा। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन का, जीवन की पुस्तक, और उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ था, जो लोग जैसे काम किए थे, जिस अनुसार धरती के ऊपर आप जिंदा थे, दारू पीकर जिंदा थे, व्यभिचार कर जिंदा थे, जैसे आप जिंदा थे, पुस्तक खोली गई और आपका रिजल्ट आपको बता दिया गया। आगे वचन 13, समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया,
जो लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज क्रैश हो गया और बहुत सारे लोग समुंदर में डूब गए। बहुत सारे लोग हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं और समुंदर में बहुत सारे लोग मर गए थे। वो समुंदर वापस कर देगा उन लोगों को जो समुंदर में मर गए हैं। अधोलोक में जो लोग जा चुके हैं उन्हें अधोलोक परमेश्वर के हाथ में वापस कर देगा उन आत्माओं को, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और फिर वचन 13 में लिखा है न्याय किया गया, और फिर 14 आयत में लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, इनका भी न्याय होगा। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और यह आग की झील है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आग के झील में डाल दिए गए। याद रखना है प्रियजन, यह आग की झील है। जिन लोगों ने शरीर में रहते हुए व्यभिचार किया, जिन लोगों ने शरीर में रहते हुए कुकर्म किया, जिन लोगों ने शरीर में रहते हुए पैसे के पीछे जाकर किसी इंसान का कत्ल किया, मर्डर किया, किसी बेटी का पाप किया, व्यभिचार किया, घर ले लिया, जमीन ले लिया, झूठ बोलकर दूसरों को भरमाया, तमाम तरीके की बात कही, वो इस झील में डाल दिया जाएगा जब पुस्तकें खोली जाएंगी। परमेश्वर जजमेंट करने वाला है, वो जजमेंट करता है, वो न्याय करता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में आते ही बोल दिया कि इस पृथ्वी के लोगों का न्याय किया जाएगा। और जाने के लिए सुनो, सबसे बेस्ट स्थान स्वर्ग है, पर इंसान के कर्मों के अनुसार दो जगह नियुक्त किया गया, एक नर्क है और एक स्वर्गीय स्थान है जहां पर परमेश्वर का वास है और उसके लोग हैं, और वहां ठंडा समय है, और वहां पर आपके सोच में जो नहीं आया, आपके चित्त में जो चीजें नहीं चढ़ी, वो चीजें खुदा आपके लिए बेहतर चीजें लेकर वहां रखा हुआ, बना के रखा हुआ है। हीवन है ये स्वर्ग है, कुछ इस तरीके का स्वर्ग होगा जब हम आप लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसीलिए बाइबल समझा रही है प्रभु हमें किस तरीके से एक दुल्हन बनकर तैयार होना है, तैयार किस तरीके से होना है, क्योंकि दूल्हा गेट पर खड़ा हुआ है और वो हाथ फैलाकर इंतजार कर रहा है। जो बेस्ट तैयारी के साथ जाएगा वो बेस्ट स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। जो अपने दूल्हे के लिए बेहतर श्रृंगार करके जाएगी, बेहतर श्रृंगार करके जाएंगे, वो बेहतर स्थानों पर रख दिए जाएंगे। आमीन बोलो। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सच्चाई है, ये बाइबल बता रही है, ये सच्चाई है प्रियजन। इसलिए हमने आते ही कहा कि हम लोग मरने वाले नहीं है। शरीर में शैतान हमको घात कर सकता है, पर हमारी आत्मा को वो घात, हम अपने अंगीकार को थाम के रखें। हमसे कोई झूठ बुलवाना चाहते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, सीधे सीधा। चाहे तुम उसको 5 करोड़ रुपए दे दो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 करोड़ कोई मतलब नहीं है, यही सब खत्म हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। पर यदि हम झूठ बोलकर यहां की चीजों को अपना लिए, तो हम कभी भी इस स्वर्ग के राज्य के हकदार नहीं होंगे जो आज प्रभु आपको दिखा रहा है। क्योंकि बाइबल वहां क्या लिखा है, अगर इसको हम पढ़ें, हमारे साथ चलिए पढ़िएगा। आपके लिए मैं रिजल्ट बता रहा हूं, प्रतिफल बता रहा हूं। प्रकाशित वाक 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप कहां पर होंगे। आमीन बोलिए। आप आनंदित हो रहे कि नहीं? अभी हमारे पास बदलाव का समय है। अगर आज भी आप पाप की दुनिया में हैं, तो छोड़ करके प्रार्थना पूर्वक उसके साथ नियमता पूर्वक आ जाना है, याद रखना। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। आमीन बोलिए। नए आकाश और नई पृथ्वी को दिखाते चलिए सब कुछ, इनको कुछ पिक्चर में, ताकि इनको अच्छा से समझ में आए। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जो पाप से भरी हुई थी उसको प्रभु जाने देगा, खत्म करेगा। और वहां पर लिखा है समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। आई ना दुल्हन की बात फिर से। कोई 120 साल का भी व्यक्ति है वो दुल्हन है। किसका? हम भी दुल्हन है। किसका? एक उदाहरण के लिए प्रभु इस बात को आपको समझाता है। यहां देखो वचन 2 को फिर से पढ़ेंगे,
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते हुए देखा। देखो कितना शोभायमान है, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। ये नया यरूशलेम है, नया किंगडम है, जहां पर हम लोग परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। आमीन बोलो हालेलुया। जहां पर न मौत है, न बीमारी है, न रोग है, न धन की, वहां कुछ भी जरूरत नहीं। हमारा यीशु मसीह सब कुछ होगा और संपूर्ण दशा में होगा। न सूर्य होगा, न चांद होगा, हमारी रोशनी परमेश्वर होगा। आमीन बोलो हालेलुया। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। ठीक वैसे वचन तीन को अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने, परमेश्वर का दास यूहन्ना ने एक दर्शन देख रहा है और कहता है, फिर मैंने क्या देखा कि किसी मैंने सिंहासन में से किसी ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में और देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। ये डेरा किया हुआ है, वो आपके साथ है। ताली बजाएंगे इस बात के लिए, इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए। सब लोग ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। और लिखा कि चौथी आयत में, वचन चार में लिखा, क्या लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न बिलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। आमीन। पांचवा वचन में पढ़ेंगे तो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले। आज हम अपनी डायरी में लिखते हैं, आपको भी लिखना है, प्रभु भी लिख रहा है, लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। Amen। और छठवीं आयत में क्या लिखा, वचन छह में पढ़ेंगे, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेत मेत पिलाऊंगा। आमीन बोलें। और सातवीं आयत को अगर हम पढ़ें, वचन सात में, जो जय पाए, अंडरलाइन करिए, क्या पाए, इस धरती के ऊपर आपको जय देने के लिए आपके साथ कौन है। जय आप अकेले नहीं पाएंगे, पर लिखा कि जो जय पाए, किसके ऊपर जय पाना है, वही इन वस्तुओं का स्वर्गीय स्वर्ग में जाने का काबिल होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और उनका परमेश्वर, और कहता है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आमीन। बातों को समझना यहां पर क्या लिखा है, पर लिखा है आठवीं, अगर आठवें पद को पढ़ें, बाइबिल क्या कहती है, पर डरपोक को, अविश्वासों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारों, टुनहों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है प्रियजन, याद रखना इस बात के लिए। पर सातवीं आयत को अगर हम फिर से वहां देखें तो एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, यह दूसरी मृत्यु हो उसमें हम ना जाएं, ऐसा हमारा तैयारी हो। जो जय पाए, बोले जो जय पाए। आज शैतान आता है आपके पास आपको हराने के लिए। देह में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वह है व्यभिचार, सुनना जरा, और माइंड में अगर सबसे बड़ा पाप है तो वह है अहंकार, घमंड, दो चीज। शरीर में सबसे बड़ा पाप व्यभिचार को माना जाता है, और आपके सोच और विचारों में सबसे बड़ा पाप यदि होता है तो वह है घमंड। घमंड जगह लेता है आपके विचारों में और व्यभिचार नियंत्रण लेता है आपके शरीरों में। याद रखना, जो जय पाए, सीधा सीधा दिखाइए, जो जय पाए वो कहां जाएगा, स्वर्गीय स्थानों में जाएगा। आमीन बोलेंगे। अब जो जय पाएगा, आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं और आप जब गुस्सा होते हो, या बहुत सारे लोग होते हैं जो घमंड के साथ जीते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो पाप के साथ जीवन जीते हैं और कहते हैं नहीं 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 मुझे वहां नहीं जाना, बस यही जिंदगी है, बहुत बड़ी भूल है प्रियजन, बहुत बड़ी भूल है उनके जीवन में। क्योंकि आज प्रभु क्या कह रहा है, अगर हमारे लिए इस धरती पे हम आए हैं तो हमारे जाने के लिए एक एक जगह है। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हो, वो अंधे की आंखें खोलता है, लंगड़े को चलाता, अगर विश्वास करते हो उस यीशु पर, तो हमारे लिए एक जाने की तैयारी करने वाला कौन है, यीशु मसीह। हम यहां जरूर भक्ति कर रहे हैं, आत्मिक श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं, वचन की श्रृंगार को तैयारी कर रहे हैं, अपने मन को सजा रहे हैं, अपने चरित्र को उत्तम बना रहे हैं,
जिस तरीके से हम यहां उत्तम अपने आप को बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह हमारे लिए वहां घर तैयार कर रहा है, हमारे लिए वो घर तैयार कर रहा है। सोच के रखना। इसलिए याद रखो, यीशु मसीह के साथ जीने के लिए जब प्रभु के लोग कोई सोते हैं, तो याद रखना कि उनका जाना कहां है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:1, देखो प्रिय बेटे बेटियों, ध्यान से इसको देखो, यहां कुछ भी आपके लिए छुपा नहीं, सब कुछ प्रभु आपके सामने रखेगा। और लिखा है यूहन्ना 14:1 में, आपको प्रभु कहता है, तेरा मन व्याकुल ना हो। तेरा मन व्याकुल, संसार की बहुत सारी चिंताएं आपको घेरेंगी, संसार का मतवालापन आप में आएगा। धन बढ़ने से बहुत लोग घमंड किया, धन बढ़ने से बहुत लोगों ने धन पर मन लगाया, और बहुत सारा ताकत बढ़ने से ताकत पर मन लगाया, वो यहीं पर रह गए। परंतु प्रभु कहता है, मेरे बेटे बेटियों, तेरा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। है विश्वास तो आमीन कहें। है विश्वास तो हाथों को हिला के प्रभु को बताइए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। और वहां वचन में, वचन दो क्या कहता है, लिखा क्या है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आमीन। मेरे पिता का घर, मैं आपको भी दिखा रहा हूं पिता का घर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के, ताली बजा दो। वाओ, मीडिया अच्छा काम कर रही है, ताली बजाओ भाई। ये है मेरे रहने का स्थान, हालेलुया। क्या इसे आप गंवाना चाहोगे? बोलो, जहां पर सोने, जहां पर हीरे, जहां पर माणिक्यों, महत्वपूर्ण पत्थरों से जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, उससे घर बनाइए। प्रभु उसके नीचे वचन दिखाइए, गुड, उसके नीचे वचन दो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के, आपके सामने वो घर दिखाया जा रहा है। क्या आप इस घर को पाना चाहोगे? याद रखना भैया, इसीलिए दुख आ जाता है, दुख सह लेते लेकिन पाप नहीं करते। पाप से बाहर रहना, यह घर आपके लिए है। आप यहीं पर जाने वाले, हम सब यहीं पर जाने वाले। लिखा क्या है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आमीन बोलो। वचन तीन, जगह तैयार करने, वो तैयार कर चुका है, अब वो आने वाला है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यस, आमीन के साथ इस जगह पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्या आप? मैं वहां तुम्हें लेके जाऊंगा। आमीन। बताओ, क्या यहां पर चोर जा सकेगा? डरपोक लोग जो डरते शैतान से, क्या यहां पे जा पाएंगे? बेविचारी लोग यहां जा पाएंगे? उनका स्थान कहां होगा? मैं आपको फिर से दिखाता हूं, उनका स्थान इस धधकती हुई आग में होगा। याद रखना, जिन्होंने सच्चाई को जाना और फिर सच्चाई को छोड़ दिया, जिन्होंने इस धरती, इस वचन को मजाक समझा, जिन्होंने इस वचन के प्रति विश्वास नहीं किया, बाइबिल कहती है, वचन सिखा रहा है कि वो यहां होंगे, उनके लिए सही जगह नहीं। चोरी के साथ जिएगा, हत्या के साथ जीने वाला, व्यभिचार के साथ जीने वाला, नशे के साथ जीने वाला, वो व्यक्ति यहां डाल दिया जाएगा। प्रियजन, यहां से वापस आना मुश्किल है। वचन 8 अभी हमने पढ़ा आपके लिए, यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु पर याद रखना, तैयारी जब शरीर में हो तभी होनी है, तैयारी मरने के बाद नहीं है। सुनना जरा सब लोग, तैयारी मरने के बाद नहीं है, तैयारी शरीर में है। पड़ोसी को बोलो, जब तक शरीर है तब तक तैयारी का समय है। जब तक हमारा शरीर है तब तक तैयारी का समय है। क्यों? कहां लिखा है ऐसा? कहां लिखा है? रोमियो 10:9, जाइए वहां ऐसा लिखा है, जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारी तैयारी है। यह लिखा है रोमियो 10:9, पढ़िए प्रिय बेटे बेटियों, हमारे साथ पढ़िए, यदि तू, यदि हम
सब लोग को बोलना है, यदि हम अपने मुंह से, किससे? जब तुम खत्म ही हो जाओगे, तुम्हारा शरीर ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जुबान कहां रहेगा? हैं? कुछ लोग बोलते मरने के बाद देखा जाएगा कहां जाना है। मरने के बाद कौन देखा है? अरे मरने के बाद तुम ही सबसे बेस्ट, तुम ही देखोगे क्या देखने वाले हो अपनी लाइफ में। फिर वापस आना, शरीर में आना मुश्किल, फिर कोई वापसी नहीं आपकी। क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, बोले मुंह से, जुबान है, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, यीशु मेरा प्रभु है, और मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये विश्वास करते हो यीशु मसीह को? यीशु मसीह को किसने जिलाया? पिता ने। किसने जिलाया? यीशु मसीह को मरे हुए में से पिता ने जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपका आमीन छोटा। हालेलुया। याद रखना परिजन, ये तैयारी, यही तैयारी। इसलिए हम अपने मुंह से गाली नहीं बकते। जिस मुंह से मैंने प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण किया, हम अपने मुंह से गाली नहीं बकते। मुझे पता है कि यदि हम अपने मुंह से गाली बकेंगे तो मैं उद्धार से छूटूंगा, मैं स्वर्गीय स्थानों में नहीं जा सकता, मैं शैतान हमको ले लेगा। याद रखना, जब भी आप बुरा काम करते हो, आप शैतान को ताकत देते हो। शैतान का केवल एक ही लक्ष्य है, आपको नर्क लेके जाना, क्योंकि शैतान को कन्फर्म हो चुका है कि मैं कहां हूं, नर्क। वो नर्क जाएगा, अभी भी वो अधोलोक में बंद है, अधोलोक में अभी भी शैतान बंद है। परमेश्वर ने उसे सलीब पर चढ़ा, और जब वो सलीब पर गया तभी शैतान को परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसे सकड़े से बांध करके अधोलोक में डाल दिया। सुनना जरा ध्यान से। और जब जजमेंट का टाइम आएगा, जब आखिरी न्याय आएगा, पुस्तकें खोली जाएंगी, तो शैतान भी वहीं जाएगा। वो शैतान के लिए ही बना है, हमारे आपके लिए नहीं। पर यदि जिसने भी शैतान की महिमा की, जिसने झूठ बोलकर जीवन यापन किया, जिसने व्यभिचार करके जीवन यापन किया, जिसने हत्या मर्डर करके जीवन यापन किया, बाइबल कहती है वो शैतान के साथ उसी नर्क में डाल दिया जाएगा, जहां से वापस आना मुश्किल है। वो अंतिम न्याय है, ये अंतिम मृत्यु है। यहां से मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। याद रखना, ये नर्क है प्रियजन, ये कोई सिनेमा घर नहीं है जो आप देख रहे हो। और ये वही बता रहा है जो आज आपको चंगा करता है। आज वो मेमना बनकर आपके समीप है, पर वो यहूदा का सिंह बनकर आने वाला है। आमीन बोलो। यहूदा का सिंह बनकर, सिंह का मतलब वो क्या होता है? शेर। शेर, शेर एक जंगल का क्या होता है? राजा होता है। उसका हार्ट बहुत बलवान होता है, उससे बड़े बड़े जानवर जंगल में रहते हैं, पर शेर क्या किसी से डरता है? उसी का नाम दिया गया यहूदा का सिंह। ये आएगा घोड़ों पे सवार होकर। हालेलुया, ताली बजाइए सब जन। वो आ रहा है कुछ इस तरीके से। आमीन बोलें। हालेलुया। याद रखना, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट है। याद रखो, वो आएगा कुछ इस तरीके से जैसा आप हमारे सामने आप देख रहे हो। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।